दोस्तों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होके। जो कोई ऐप का मैंने ट्यूटोरियल पिछला बनाया, तो अभी मैं दूसरा जो इसका ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो इस ट्यूटोरियल में बेसिकली जो पहले जो इसके पहले इसके इससे पहले जो ट्यूटोरियल आया वो आया दरअसल इसका कि हाउ टू मेक फ्री एंड्रॉयड ऐप मूवी ऐप बैक बटन, जो इसकी प्रॉब्लम वो मैंने फिक्स कर दी थी। इसके बाद था कि आप अपनी इसी एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए किसी भी फाइल को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान और सिंपल है। मैं अभी वहीं आपको बताने वाला हूँ। एक छोटी सी एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करनी होगी, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वहाँ से आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे। और अभी मैं थंकेबल पर आपने अपना अकाउंट लॉगिन पहले करना है, और आप जो पिछली हमने एक ऐप बनाई थी वो मूवीज़ की ऐप थी, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आज मैं अपनी वीडियो में नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरा आज एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो जिस वजह से मेरा मतलब कि तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से बस एक्सीडेंट की वजह से मैं अपनी वीडियो जो ना कैप्चर नहीं कर पाया, तो सॉरी फॉर दैट। इसके बाद जो है वेब है, वेब व्यू में आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे नीचे आना है, तो जो एक्सटेंशन है वो आपको नीचे से यहाँ से मिलेगी। यहाँ पे जब आप यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने करना है इंपोर्ट एक्सटेंशन। जब आप इंपोर्ट एक्सटेंशन करेंगे तो यहाँ से चूज़ फाइल, जैसे आप चूज़ फाइल करेंगे तो यहाँ से मैं डाउनलोड में चला जाता हूँ, और यहाँ से आपको ये वाली एक्सटेंशन मिल जाएगी, AIX फाइल होगी, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इम्पोर्ट करनी है। जैसे आप इम्पोर्ट करेंगे तो आपकी एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पर लोड हो जाएगी। वो ये देखिए, यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन है वो आपकी लोड हो चुकी है। ये इनविजिबल कंपोनेंट है तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे इसके मतलब के ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे, कि जब हम यहाँ पे ब्लॉक्स में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने दिया कि एडमो बैनर वगैरह का, कि वन स्क्रीन इनिशियलाइज एडमो बैनर विल बी डिस्प्ले या जो भी है, ठीक है। इसके बाद मतलब कि अब हम जो करेंगे वन स्क्रीन इनिशियलाइज, यहाँ पे मैं बैनर वगैरह, और इसके नीचे आप ये भी यहाँ पे एक और भी कॉल एक कॉल दे सकते हैं, वो दे सकते हैं आप वेब व्यूअर को, ठीक है, कि वन स्क्रीन इनिशियलाइज वेब व्यूअर विल बी। यहाँ पे आप जब वेब व्यूअर पे ये आपने स्क्रीन जो है वो आपने यहाँ से लेनी, जब आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ आ रहा है वन स्क्रीन वन इनिशियलाइज, ठीक है, तो ये यहाँ पे वन स्क्रीन इनिशियलाइज। और यहाँ पे हमने बैनर लोड करवाया था, बैनर ऐड, और यहाँ पे बैनर ऐड टू हमने लोड करवाया था, मतलब कि दोनों ही मतलब कि यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपने जो क्लिक करना है वो यहाँ पे आपने जो लोड नेक्स्ट जो लोड करवाना है वो आपने करवाना है। यहाँ पे आपने यहाँ पे जब आएंगे तो आपको यहाँ से वेब व्यूअर के बाद आपको जो कि ये आ गया, और इसमें आएंगे वेब व्यूअर में, और वेब व्यूअर में आपको यहाँ पे अपने जब वेब व्यूअर पे आप क्लिक करेंगे, वेब व्यूअर वन, और इसके अंदर जो हमने पेस्ट की थी वो वाली एक्सटेंशन वो अभी तक यहाँ पे लोड नहीं हुई, मतलब कि ये आ गई है, और इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप इंपोर्ट कर लेंगे इसको यहाँ पे ड्रैग ज़रूर करना है, वो मत भूलिएगा, ये आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे आ गई है वेब व्यूअर के अंदर। और जब आप ब्लॉक्स में आएंगे तो हमने ये वाली वेन स्क्रीन इनिशियलाइज, फिर क्या हो कि फिर ये हो कि हमने वो वाला कर लिया, इसके बाद हम जाएंगे वेब व्यूअर वन में, ठीक है, और सॉरी यहाँ इसमें आएंगे। इसमें जब आप आएंगे तो इससे आपने जब है कि ये वाला जो है आपने यहाँ पे देखना है कि एक्सटेंड व्यूअर यहाँ पे आपके पास आएगा, एक्सटेंड व्यूअर वेब व्यूअर वन, और वेब व्यूअर यहाँ पे आएगा, ये देखें ये वाला, ठीक है, टू डू ये वाला आएगा सेट, ये आपने इसको यहाँ पे आपने ला के आपने ड्रैग कर देना है, और यहाँ पे लिखा सेट एक्सटेंडेड वेब व्यूअर वन वेब व्यूअर टू, मतलब कि ये वाला आपने करना है। इसके बाद आपने जो करना है वो यहाँ से इसी के अंदर से आपने दोबारा वेब व्यूअर में आना है, ठीक है। जब आप वेब व्यूअर में आएंगे तो यहाँ से आपको सब पे एंड पे मिल जाएगा वेब व्यूअर, इसको आपने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रख देना, ताकि ये वाला जब ये लोड हो इनिशियलाइज हो तो एक्सटेंड वेब व्यूअर वन वेब व्यूअर यहाँ पर वो शो करवा देगा, ठीक है, वेब व्यूअर टू वेब व्यूअर। और इसके बाद हम नेक्स्ट में हम जाएंगे, वो दोबारा हम इसके दोबारा मैं आपको ब्लॉक्स बताता हूँ कि इसमें हमारी नेक्स्ट जो ब्लॉक्स होगी वो हमने क्रिएट करनी है डाउनलोडिंग के लिए। तो दोबारा हम एक्सटेंडेड में जाएंगे, ये देखें ना, एक्सटेंडेड में हम आ गए, और यहाँ से देखेंगे कि जो हमारी यहाँ पे हमें सर्च करना होगा वेब व्यूअर वन, और टाइप और यूआरएल का है यहाँ पे, जो आपको यहाँ से मिल जाएगा ऑनलोडेड, ये देखिए कि वैन ये आपको जो मिलेगा वो यहाँ से ऑनलोडेड वाली, यहाँ से आपने एक्सटेंशन देखनी है कि वो कौन सी आ रही है, और वो वाली आपने यहाँ से
उसको ड्रैग करना है, उसको ड्रैग करके आपने इसको भी यहाँ पे छोड़ देना है। जब आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो इसको आपने ड्रैग करके यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें ये यहाँ पे रखनी है, और इसके बाद वो आपसे ये जो चीज़ें हैं ये छोड़ देनी है। इसको मैं एक सेकंड इसको मैं डिलीट करके इसको दोबारा वापस लेके आता हूँ, ठीक है, वापस लेके आता हूँ। ये भी है वो, क्योंकि ड्रैग गलत हो गया इसी वजह से, मतलब उसने एरर दे दिया, तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट किया और दोबारा मैं मतलब कि इसमें आता हूँ, तो यहाँ से मैं दोबारा जो है ना उसको ले लेता हूँ, ये वाला जो है काउंटर लेंथ वाला जो आपको मिलेगा यहाँ से, वेबवर ऑनलोडेड डाउनलोडिंग के लिए वेन डाउनलोडिंग। तो मतलब कि यार जब ये लोड हो जाए तो इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है। ये तो बैक बटन प्रेस का जो हमने लगाया था वो मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे कर देता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर नीचे भी हो तो ऊपर भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने दोबारा जब आप आना है तो फिर यहाँ पे जब हो जाए तो ये वेब्यूअर के जब ये हो जाए तो इसके बाद मतलब कि क्या होना चाहिए। अब मेन जो बात है वो डाउनलोडिंग की, कि अगर आप डाउनलोडिंग करते हैं तो आपका जो मसला आता है वो सबसे उसके बाद जो आपका मसला आता है वो यही होता है कि आपने जब ये करवा लेते हैं तो इसके बाद दोबारा मैं इसमें आऊँगा और इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि ये है कॉल डाउनलोड फाइल, फाइल नेम और ये वाला, इसी स्टैंडर्ड इसके अंदर ये आएगा। तो मतलब कि इसके अंदर ही हमने डाउनलोडिंग करवानी है, और यूआरएल भी उसने कहाँ से यूआरएल लेगा वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। सिंपली ये फ़ाइल नेम वगैरह तो इसी के अंदर से वो ले लेगा, फ़ाइल नेम भी यहीं से आ जाएगा, इसका माइम टाइप भी, यूज़र एजेंट भी, और सारा यहीं पर आएगा। अब सिंपली हमने यहाँ पर फ़ाइल नेम के लिए हमने सिर्फ जो है ना वो खाली टेक्स्ट जो है वो हमने यहाँ पर लोड करवा देना है, ये वाला भी लोड यहाँ पे लोड करवा। यूआरएल आपने छोड़ देनी, यूआरएल मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने कहाँ से लेनी है, ठीक है। यूआरएल भी आपने इधर से जो यूआरएल है वो यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट यूआरएल, तो यहाँ पे गेट यूआरएल आप जब सेट कर देंगे तो ये आपकी सेटिंग जब हो जाएगी यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी सब कुछ हमारा हो चुका है, ये कंप्लीट हमारी एक मूवी की वेबसाइट बन चुकी है जिससे आप डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और बाकी जो है इसके बाद और कोई भी इसके अंदर और कोडिंग वगैरह आपने नहीं करनी, बस यही कोडिंग थी और ये हमने कर लिया। इसके बाद हम इसको टेस्ट करते हैं अपने मोबाइल पर, यहाँ पर डिज़ाइनर में हम जाएँगे और बाकी सारी जो हो चुकी है अब मैं यहाँ से अपने मोबाइल से जो है वो भी मैं यहाँ से अपना जो वो ओपन कर लेता हूँ रिकॉर्डर, और फिर मैं यहाँ से अपनी जो है रिकॉर्डर के बाद यहाँ से मेन जो हमारी जो ऐप है थंकेबल की वो मैं यहाँ से थंकेबल को ओपन करता हूँ। जैसे मैं थंकेबल ओपन करता हूँ इसके बाद मैं जाता हूँ थंकेबल लाइव में। थंकेबल लाइव में जाऊँगा तो यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड पे जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इसने स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद आपकी ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है, और लोड होने में जो टाइम लेगी तो उसके बाद आपकी ये जो स्क्रीन है वो आपकी अपेयर हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास मूवीज़ वगैरह आ गई हैं, तो यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन खुल गई और यहाँ से मेरे पास मूवीज़ आ रही हैं। जैसे कि ये मूवीज़ आ रही है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ कि डाउनलोड की ऑप्शन मुझे कहाँ मिले जाएगी। यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड, जैसे मैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये कुछ इस तरह आगे जी फाइल्स है, मोर लिंक्स है। अगर मैं ये देखें कि ये फुल एचडी है, अगर मैं जी फाइल्स पे क्लिक करूँगा तो देखते हैं अगर ये डाउनलोड हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि ये हमारा जो ये देखें जनरेट लिंक है। जैसे मैं जनरेट लिंक पर क्लिक करूँगा तो हमने देखना है कि ये डाउनलोडिंग लग गई है या नहीं लगी। ये देखें फाइल्स जो हैं बिन की हैं, कम्प्लीटेड हो चुकी हैं। ये मतलब कि हम मैं अभी मैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये देखें कि डाउनलोडिंग पे लग गया, ठीक है। इसी तरह मतलब कि आपकी जो फ़ाइल है वो ये 49 मिनट को जो ये इतना देर है, यहाँ से आपकी फ़ाइल जो डाउनलोड हो जाएगी ये जो फ़ाइल है, ठीक है। इसी तरह मतलब कि आप इसी एक्सटर्नल ब्राउज़र में रहते हुए भी मैं बैक प्रेस करता हूँ तो देखिएगा कि ये देखें मुझे मेन साइट पर लेके आ गया, मुझे कहीं कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं यहाँ पर आया। साइट मैंने अभी चेंज की इस वजह से क्योंकि इसमें दूसरी साइट में डाउनलोड की ऑप्शन अपेयर नहीं हो रही थी, तो इस साइट में मतलब कि अपेयर हो रही है, तो इसलिए यहाँ से भी हम ये सारा कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। और आपकी सारी मुश्किल आसान होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।